आप देख रहे हैं लाइव वायर मीडिया नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। इस समय कोरोना वायरस के चलते लोग जो हैं वो अपने घरों के अंदर हैं, और वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, तो वो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हर कोई, पुलिस की बात करें, अर्धसैनिक बलों की बात करें और स्वास्थ्य विभाग के लोग जो हैं उनकी तारीफ जो है वो कर रहा है। और कुछ समाजसेवी संस्थाएँ जो हैं वो बाहर आ रही हैं, और बहुत सी कुछ संस्थाएँ जो हैं वो ऐसी भी हैं जो मात्र जो फोटो सेशन है उसके लिए अपनी जो काम है वो कर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं बस स्टैंड के बिल्कुल बैक साइड पर हूं। यहां पर एक दुखद तस्वीर आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। यहां पर एक पेशेंट हैं जो कि सीडी अस्पताल में गए थे, वहां से वो अपना इलाज करवा कर लौटे हैं। और ये तस्वीर जो है ये दर्द देने वाली यहाँ पर तस्वीर है कि ये एक शेड है, और इस शेड में ये जो है वो यहाँ पर इस समय पड़े हुए हैं, और कुछ खून के निशान हैं वो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। और ये टीवी हॉस्पिटल के पेशेंट हैं, यहाँ पर हैं, बुज़ुर्ग हैं, इनकी सहायता के लिए कोई आगे जो है वो अभी तक नहीं आया है। और ये बस स्टैंड के बिल्कुल पीछे ये पड़े हुए हैं, और काफ़ी इनको वॉमिटिंग जो है उल्टी उन्होंने की हुई है खून की, वो खून के धब्बे हम नहीं दिखा पाएंगे आपको। और कुछ समाज से भी लोग जो हैं वो खाना जो है वो बांट रहे थे, और वो लोग जो हैं वो यहाँ आए और उनकी नज़र जो है वो इन कर पड़ी है। और जब पुलिस के लोगों से भी बातचीत की गई तो पुलिस का साफ तौर से ये कहना है कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग जो है उसको इस संबंध में बता दिया है, लेकिन अभी इनकी मदद के लिए कोई आगे जो है वो नहीं आया है। और आपको मैं फिर से बताता चलूँ कि काफ़ी समय से ये यहाँ पर हैं, और वो समाज से भी संस्थाएँ जो हैं अगर उनकी जो हमारी आवाज़ है वो उन तक जा रही है तो उनसे ये अपील रहेगी कि वो यहाँ आए, इनकी मदद करें और इनको इलाज की ज़रूरत है, इनको अस्पताल पर पहुँचाएं, क्योंकि ये बुज़ुर्ग हैं। हालांकि इस समय बातचीत ये नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये यहाँ पर थे जिनके माध्यम से हमें पता चला यहाँ पर आए आप। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। नमस्कार सर, मेरा नाम रिकी तथिया। रिकी, आपने हमें बताया कि ये यहाँ पर हैं, आपको कैसे पता चला, आप क्यों यहाँ पर आए थे? सर, मैं एक जय डोगरा, हमारी ब्लड ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसके मेंबर हैं, सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। तो थोड़े दिन से हमने एक मीम चलाई थी, थोड़े हमारे डोनेशन भी दे रहे हैं, थोड़े मोहल्ले से लोग थोड़े जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम थोड़ा खाना शाना बांट रहे थे, चार पांच दिन से कंटिन्यू बांट रहे हैं। ये बंदा आज इसको देखा, कल का देखा इसको, कि इसने ना थोड़ा थूक, मतलब कि अपना ब्लड स्लड इसका बहुत निकला हुआ है। तो कल हमने अभी पुलिस वालों से बात की, ये कहते हैं कि SHO को कंसर्न, जो SHO है उनको बोला हुआ है, उसके बाद मेडिकल टीम को बोला, मगर हमें भी कोई एक घंटा हो गया यहाँ पे खड़े हुए, अभी तक तो कोई आया नहीं इनका पता लेने। आपने इनकी मदद करना चाहिए तो आप क्यों नहीं यहाँ अस्पताल ले जा सके? सर, हमारे पास साधन नहीं है इनको लेने का, टू व्हीलर है हमारे पास, साथ में हमारे पास सारा फूड के लिए जो हमारे क्रेट्स हैं वो बैग्स हैं हमारे, वो पड़े हुए हैं हमारे पास, नहीं तो हम इनको ले जाते। अगर हमारे पास फोर व्हीलर होता हम इनको पक्का ले जाते। देखिए, कुछ समाज सेवी संस्थाएं की बात करें तो फोटो सेशन के लिए वो ज़रूर सामने आ रहे हैं, लेकिन इनकी मदद करने के लिए कई लोग यहाँ से गुजरे होंगे, इनकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया, क्या कहना चाहेंगे? सर, जो लीडर है ना, लीडर, पॉलिटिकल लीडर, इनका काम है खाली फोटो खिंचवाना, और जो सोशल वर्कर है ना, सोशल वर्कर, देखो टीम पूरी इकट्ठी काम कर रही है, और भी बड़े यूथ ऐसा है जो जम्मू में काम कर रहा है, अपनी जेब से डाल रहा है, कोई कोई डोनेशन मतलब कि लोगों से ले रहा है, कहीं ना कहीं से मदद लेके अपने अपने घर पे जैसे भी अल्टरनेट करके गरीबों को खाना बांट रहे हैं। मगर जो पॉलिटिकल लीडर हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के बिलोंग करते हो, कोई भी पार्टी हो, खाली अपनी रोटियां सेक रहे हैं, खाली अपना मज़ा ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं खाली अपने इस टाइम का। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर हमारी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंच रही है, या तस्वीर जो है वो अगर कुछ समाज से भी लोगों तक पहुंच रही है, खासकर मेडिकल टीम की बात करें, एक बार फिर से ये तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये लगभग काफ़ी समय से यहाँ पर हैं, इनको इलाज की ज़रूरत है, खांसी ये कर रहे हैं, और बार बार जो है वो उल्टियाँ इनको आ रही हैं, और ये जो है बीमार हैं। मेडिकल टीम तक अगर हमारी आवाज़ जो है वो जा रही है, क्योंकि जब भी मेडिकल टीम से हमारी बात होती है, उनसे बातचीत जब भी हम करते हैं, तो पीठ जो है उनके उच्च अधिकारी ज़रूर थपथपाते हैं, और इस समय बहुत अच्छा कार्य जो है वो किया भी जा रहा है जो मेडिकल विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, उसके लोगों के द्वारा, लेकिन यहाँ पर अभी तक वो टीम जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँची। और ये अपील हम भी जो है लाइव वायर मीडिया नेटवर्क के माध्यम से अपील ये करेंगे कि अगर आप तक हमारी आवाज़ जो है उस मेडिकल टीम तक जा रही है, क्योंकि पुलिस का काम था मेडिकल टीम तक अपनी बात पहुँचाना, और जिस तरह से इन लोगों ने पुलिस से भी बात की है, तो उनका कहना है कि मेडिकल टीम को हमने इस संबंध में जानकारी जो है वो दे दी है, और अभी तक मेडिकल टीम जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँची। अगर मेडिकल टीम तक भी आवाज़ जा रही है, या फिर कुछ समाज से भी लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं, तो इन्हें तुरंत जो है वो अस्पताल तक पहुँचाया जाए, ताकि इनकी जान जो है वो बच सके, क्योंकि बुज़ुर्ग हैं, अकेले हैं, कोई साधन जो है वो इनके पास इस समय नहीं है। आप देखना यह है कि कितनी जल्दी इन तक जो मेडिकल टीम है वो यहाँ पर पहुँचती है, या फिर कुछ समाज से भी लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते और इनको यहाँ से अस्पताल में शिफ्ट करवाया जाता है। अब मुझे रवि शर्मा को दें इजाज़त, मगर
आपसे अपील मैं करूंगा कि इस पोस्ट को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उस मेडिकल टीम तक भी पहुंचे और कुछ और लोगों तक पहुंचे ताकि इनकी कोई मदद कर सके। आप मुझे रवि शर्मा को दें इजाज़त, मगर आप देख रहे हैं, देखते रहें लाइव आर मीडिया नेटवर्क। नमस्कार।